अगली खबर आ रही है मुरैना से, जहां एक युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अर्टिका कार लूटने का मामला सामने आया है। युवक किराए पर अपनी कार चलाता है। युवकों ने उसे डबरा से आगे धूमेश्वर मंदिर तक के लिए गाड़ी किराए पर ले चलने को कहा था। जब वे मंदिर से वापस लौट रहे थे, उसी समय उन युवकों ने उसे प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और गाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया। उन युवकों ने उसकी जेब से पर्स व उसका मोबाइल तक निकाल लिया था। जब वह होश में आया तो घर वालों को फोन किया। घर वाले उसे लेकर मुरैना आए, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने मामला अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है। वहीं उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना मंगलवार की है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिकरवार नामक युवक के पास अर्टिका कार है। वह उस कार को किराए पर चलाता है। उसके पास फोन आया कि डबरा के आगे धूमेश्वर मंदिर चलना है। वह तैयार हो गया। 3700 रुपए में भाड़ा तय हुआ था। मुरैना बैरियर चौराहे से चार लोग उसकी कार में बैठे वह कार लेकर ग्वालियर होता हुआ डबरा तथा बढ़ौनी होता हुआ धूमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। वहां सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए। उसके बाद वहां से लौटते समय उन लोगों ने उसे खाने के लिए प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, वह बेहोश होने लगा। जैसे वह बेहोश होने लगा, बढ़ौनी चौराहे के पास उन लोगों ने उसकी जेब से उसका पर्स व मोबाइल निकाल लिया और उसे कार में से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद वे लोग उसकी अर्टिका कार लेकर चले गए। युवक को जब काफी देर बाद होश आया तो उसने पाया कि उसके साथ लूट हो गई है। उसने किसी दूसरे आदमी का मोबाइल लेकर मुरैना स्थित अपने घर वालों को फोन किया। घर वाले उसे लेकर मुरैना पहुंचे तथा कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युवक की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। वह अर्ध बेहोशी की हालत में है। उसका जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में इलाज चल रहा है। रोड के साइड में फोन किया, फरियादी का है, नरेंद्र सिकरवार नाम है जिसका। इसकी बैरियल चौराहे पर जो टैक्सी स्टैंड है वहां से एर्टिगा गाड़ी ये टैक्सी पर चलाते हैं किराए पर। उससे 3700 रुपए में व्यक्ति ने फोन से बात की है। 3700 रुपए किराए पर डबरा भूमेश्वर मंदिर जाने के लिए बात की। तो ये लोग उसको गाड़ी से लेकर गए हैं वहां पर मंदिर में धूमेश्वर पर प्रसाद चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद ये बंदा कुछ बेहोशी में आ गया। उसके बाद इसको घुमाते हुए ले गए बड़ौनी के पास, वहां पर इसको गाड़ी से फेंक दिया और इसके पैसे इसकी जेब में 3000 रुपये इसने बताया। इसका मोबाइल एवं गाड़ी को ले गए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करीब 3-4 लोगों को बताया है। शायद की स्थिति अभी इलाज में उसमें ठीक नहीं आया है, इसलिए और आगे स्थिति तभी पता हो पाएगी जब वो उसमें आ जाएगा।